जय हिंद। गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में सिक्योरिटी असिस्टेंट, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव और एमटीएस के लिए बम्पर वैकेंसीज निकाली है, जो कि सभी राज्य के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए मिनिमम योग्यता क्लास 10th है। अगले 3 से 4 मिनट में इसके सभी डिटेल्स आपसे हम शेयर करेंगे, चाहे वो इसका सिलेबस हो, एग्जाम पैटर्न हो, एप्लीकेशन फी हो, सैलरी हो, अप्लाई कैसे करें, लास्ट डेट क्या है। इसके सभी डिटेल्स के लिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। अब आइए सबसे पहले वैकेंसी डिटेल्स को समझ लेते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज है वो है आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 1675 है, जिसमें सिक्योरिटी असिस्टेंट, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव के लिए 1525, एमटीएस के लिए 150 वैकेंसीज है। यह सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है, आप अप्लाई जो है ऑनलाइन कर सकते हैं। वहीं आपका जॉब लोकेशन इंडिया में कहीं भी होगा। कैटेगरी वाइज वैकेंसी की बात करें तो सिक्योरिटी असिस्टेंट, सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव में जनरल के लिए 739 सीट्स है, ओबीसी के लिए 276 सीट्स है, एससी के लिए 242 सीट्स है, एसटी के लिए 117 और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 151 सीट्स है। वही एमटीएस में जनरल के लिए 68 सीट्स है, ओबीसी के लिए 35 सीट्स है, शेड्यूल कास्ट के लिए 16 सीट्स है, शेड्यूल ट्राइब के लिए 16 सीट्स है और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 15 सीट्स है। अब आइए इनके सैलरी स्ट्रक्चर यानी पे स्केल को समझ लेते हैं। तो काफ़ी अट्रैक्टिव सैलरी है। सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव को लेवल 3 की सैलरी मिलेगी, जो कि 21,700 से 69,100 रुपये प्रति माह तक की होगी। वही एमटीएस को लेवल 1 की सैलरी मिलेगी, जो कि 18,000 से 56,900 प्रति माह तक की होगी। इसके अलावा चूंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो बहुत सारे अलाउंस भी मिलेंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो एप्लीकेशन फी लगेगा वो 450 रुपए का लगेगा। अब आइए इसके सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया को समझ लेते हैं। तो इसके मुख्य 5 चरण हैं। सबसे पहले टियर 1 में रिटन टेस्ट होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। टियर 2 में रिटन टेस्ट जो होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा। वहीं टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज, जो कि सिर्फ सिक्योरिटी असिस्टेंट पोस्ट के लिए होगा। फिर आपका इंटरव्यू होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद आपका नाम मेरिट लिस्ट में आएगा, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और आप जॉब ज्वाइन कर पाएंगे। वहीं अब इसके मार्क्स वाइज की बात करें तो टीयर 1 जो होगा उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। आगे इसके एग्जाम पैटर्न में हमने सभी डिटेल्स दिए हैं। टीयर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 40 मार्क्स होंगे। वहीं टीयर 2 में जो सेकेंड पार्ट है वो स्पोकन एबिलिटी है, जो कि 10 मार्क्स के होंगे, जो सिर्फ सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट पोस्ट के लिए होंगे। वहीं टीयर 3 में इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होगा, जो कि 50 मार्क्स का होगा। अब आइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एज लिमिट की। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 25 साल होना अनिवार्य है। वहीं सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 27 साल एज होना अनिवार्य है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लास 10th पास होना अनिवार्य है किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। वहीं डोमिसाइल सर्टिफिकेशन की बात करें तो जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। अब आइए इसके एग्जाम पैटर्न को डिटेल से समझ लेते हैं। तो यह एग्जाम आपका ऑनलाइन मोड में होगा। सभी प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इसमें जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज और जनरल स्टडीज से आपके 20-20 प्रश्न 20-20 मार्क्स से पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स से पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय होगा। क्वेश्चन बायलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। अब आइए आईबी के सिलेबस को डिटेल से समझ लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। तो इसमें आपके प्रश्न एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, अर्थमेटिक, नंबर थ्योरी, एडिशनल टॉपिक्स इन अर्थमेटिक, प्रॉब्लम ऑन एजेस, बोट एंड स्ट्रीम, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, क्लॉक्स, वेरिएशन, चेन रूल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। बाकी के टॉपिक स्क्रीन पे दिए हुए हैं। ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं न्यूमेरिकल, एनालिटिकल एंड लॉजिकल एबिलिटी से आपके प्रश्न वर्बल टेस्ट, रीजनिंग टेस्ट, एनालिटिकल रीजनिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट, सीरीज टेस्ट, बाकी का टॉपिक स्क्रीन पे दिया हुआ है। इस सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ें, इसी से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे।
इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट, इंग्लिश यूसेज एरर्स, कॉमन एरर्स, एनालॉजीज, स्पेलिंग मिस्टेक्स, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, सेंटेंस कंप्लीशन, आइडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस रिकंस्ट्रक्शंस, रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेस। बाकी का टॉपिक आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है। सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। जीके जीएस के सिलेबस की बात करें तो जनरल टॉपिक्स, जनरल नॉलेज, उसके बाद फेमस पर्सनालिटीज, बुक्स एंड ऑथर्स, फर्स्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, इटीसी इन द वर्ल्ड, इससे आपके प्रश्न होंगे। बाकी का टॉपिक आपको स्क्रीन पे दिया हुआ है। ये सभी टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़े। खास करके 2 साल का करेंट अफेयर्स बहुत अच्छे से पढ़े, इससे आपके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। अप्लाई करने के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट mha.gov.in पे जाएं, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, उसको बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें, लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद सभी नेसेसरी डिटेल्स फिल करें, फोटो सिग्नेचर अपलोड करें, फी पेमेंट करें, प्रीव्यू करें, फिर सबमिट करें। सबमिट करने के बाद PDF सेव करके जरूर रखें। 10 फरवरी 2023 इसका लास्ट डेट है, इससे पहले फॉर्म को भरें।